हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी वे में मेकअप शेयर करने वाली हूँ, वो भी सिर्फ फाउंडेशन से। तो सिर्फ फाउंडेशन की मदद से आप कैसे करोगे इतना सुंदर मेकअप। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया एंड प्राइमर लगाया एंड अच्छे से इसको 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ूंगी ताकि अच्छे से हमारे ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएं और हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो मेकअप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन करने वाली हूँ, कोई भी कंसीलर नहीं, कोई कलर करेक्टर नहीं है। सिंपल और ईजी तरीके से आपको मेकअप सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया था। और इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं ये यहाँ पे मेकअप फिक्सर एंड फाउंडेशन दिखा रही हूँ आपको। ये मेकअप फिक्सर है एंड इससे अच्छे से फाउंडेशन को इस तरीके से लगाओगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फाउंडेशन जो है वो ग्रे नहीं पड़ेगा, काला नहीं होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो पहले मैंने मेकअप फिक्सर पूरे फेस पे अप्लाई किया, फिर फाउंडेशन लगाया है कुछ इस तरीके से, फिर ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके उसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से पहले दोबारा से मेकअप फिक्सर अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पहले फाउंडेशन के पहले मेकअप फिक्सर लगाया था, देन फाउंडेशन के बाद भी लगाया, फिर ब्लेंड करना है और बहुत ईजिली बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया और जो भी मेरा पिगमेंटेशन था वो रिमूव हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। बहुत ही कम आपके स्किन पर प्रॉब्लम्स है, बस आपको फेयर लुक चाहिए, ग्लोइंग चाहिए और बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल मेकअप चाहिए तो आप इस तरीके से सिर्फ फाउंडेशन से भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिक्विड ब्लश लगाया था पिंक कलर का। कोई कलर करेक्टर नहीं है, कोई कंसीलर नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया, बस डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करके ब्लश लगाया है, देन कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर दिया है। हाइलाइटर भी लगा लेंगे आपको लगाना है तो बस उसके बाद से आपको आईब्रो पेंसिल एंड आईलाइनर मस्कारा जो भी करना है वो कर लो। फेस का जो बेस बनाना है सिर्फ फाउंडेशन से आप इतने अच्छे तरीके से बहुत ईजी वे में अपना बेस रेडी कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लैक्मे का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था एंड इसको अच्छे से अपने बेस को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा डार्क सर्कल भी सिर्फ फाउंडेशन से ही बहुत अच्छे से हाइड हो गया, बिल्कुल भी मेकअप मेरा ग्रे नहीं हुआ था। रात तक मेरा मेकअप ऐसे का ऐसे था, मैंने ये सुबह में 10 बजे किया था ये मेकअप। देन उसके बाद मुझे पूजा के लिए जाना था, किसी के घर पे पूजा थी तो उन्होंने बुलाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना आईब्रो फिल किया था। आईब्रो फिलिंग के लिए डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोनों आईब्रो को बिल्कुल परफेक्ट शेप देनी है एक बराबर। अब इनको इस तरीके से मिक्स करेंगे आईब्रो फिलिंग ब्रश से। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे लाइनर लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे एंड दैट्स इट, मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे तो चैनल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने लिपस्टिक लगा ली है एंड अभी मैं आई मेकअप मैंने नहीं किया था तो आई मेकअप के लिए मैंने लिया था ये सीमर पैलेट, आई शेडो सीमर पैलेट। इसमें जो आई शेडो का कलर होता है वो शाइनिंग होता है और बहुत अच्छा, अच्छे से आप अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और बहुत इजीली आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने साड़ी के अकॉर्डिंग अपना आई मेकअप किया था, डार्क ब्राउन कलर का आउटर कॉर्नर पर एंड मिडल में मैंने यहाँ पे येलो कलर का लिया था, गोल्डन कलर जो कि मेरी साड़ी में है। फ्रंट में मैंने सिल्वर लगाया था। सिल्वर लगाने से क्या होता है कि आपकी आईज जो होती है वो थोड़ी बड़ी दिखती हैं। तो इस तरीके से नीचे भी मैंने फ्रंट में सिल्वर लगा लिया था इस तरीके से और आईब्रोज के जस्ट नीचे भी इस तरीके से लगाया था, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल लिया था, काजल को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा अप्लाई किया, इनर पे बिल्कुल हल्का सा अप्लाई किया है क्योंकि आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा काजल अप्लाई करने से आपकी आईज थोड़ी बड़ी दिखती हैं एंड खूबसूरत दिखती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था मार्कर, जिसे मैंने सोचा कि ये परमानेंट मार्कर है जिसे मैंने अपने चेहरे पे डार्क स्पॉट बनाया था, बट ये लाइनर की जगह पे यूज़ नहीं हुआ तो मैंने इसको रख दिया। इसी तरीके से मैं कुछ कुछ ट्राई करते रहती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिया था लाइनर 7 सीज का, बहुत ही अच्छा लाइनर है, वाटरप्रूफ है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो और पानी वगैरह से नहीं निकलता है।
तो इस तरीके से मैंने ऊपर में लगाया था, देन लोअर टर लाइन पे भी मैंने लाइनर को अप्लाई कर दिया था। उससे क्या होगा कि आपका जो काजल है वो फैलेगा नहीं। ओके अब दूसरी साइड भी मैंने लगा लिया था लाइनर, बिंदी लगाया। और अभी हम लोग करेंगे अपना हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के लिए मैंने बालों को ओपन कर लिया है एंड अच्छे से कॉम करेंगे। सेंटर पार्टीशन करूँगी, यहाँ पे सेंटर पार्टीशन से करना स्टार्ट करेंगे। तो साथ साथ के मैं सामान ढूंढ रही थी उसके लिए, वेरी सॉरी, मैंने पहले से सामान वगैरह नहीं रखा था। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो मांग जो है हमारी उसको बिल्कुल छोटा रखना है, इस तरीके से जैसे मैं कॉम कर रही हूँ। और हल्का हल्का मेरे बालों में ऑयल भी था, तो इस तरीके से मैंने पीछे की तरफ हेयर को लिया है, अच्छे से कॉम कर लेंगे। और इस तरीके से क्लिप लगाएंगे यहाँ पे। हाथों से सारे हेयर को होल्ड करके इस तरीके से क्लिप लगाए, डबल डबल क्लिप लगा लेंगे ताकि जो हेयर स्टाइल का लुक है वो बिगड़े नहीं बाद में, क्योंकि हम लोग कॉम करते हैं तो सिंगल क्लिप रहती है तो खुल जाता है हेयर और अच्छे से लुक नहीं आ पाता है। अब फ्रंट से किस तरीके से करना है वो भी बता रही हूँ। इस तरीके से हेयर को लिया है और इस तरीके से ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की तरफ से करेंगे तो हमारी जो स्कैल्प है वो दिखेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से लुक बन जाएगा हमारा ट्विस्टिंग जो है वो। और ईयर के पीछे से भी कुछ इस तरीके से लेके जाना है हेयर को, और जहाँ तक हमने क्लिप लगाया था वहाँ तक लेके जाएंगे और इस तरीके से क्लिप से सेट कर देंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करेंगे। अगर आपका फोरहेड छोटा है तो छोटे फोरहेड पे ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखने वाला है। तो अगर छोटा फोरहेड है तो इस तरीके से आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। मेरे फेस पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैंने पल्लू लेना था तो मैंने इसी तरीके से कर लिया था। अब इस तरीके से मैंने कर लिया पूरा एक क्लिप तक, और फिर से एक और क्लिप लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक बन। तो उसके लिए सारे हेयर को एक साथ लिया था, कॉम कर लिया अच्छे से एंड रबर बैंड की मदद से सारे बालों को सिक्योर कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया था यहाँ पे क्लचर की मदद से बनाएंगे ये वाला हेयर स्टाइल हम लोग। ट्विस्टिंग को टाइट करने के लिए एक पिन और ले लिया था, सारे बालों को ऊपर की तरफ होल्ड किया, रबर बैंड के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे क्लचर को टाइटली लगा दिया है। और नीचे में एक और रबर बैंड लगाएंगे पतला वाला, सारे क्लचर को अच्छे से हाइड करेंगे और फिर जितना भी थोड़ा सा हेयर है उन पे रबर बैंड लगा देंगे। और इस तरीके से सारे हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए यूपिन से सेट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी क्लिप्स दिख रही थी उसको अच्छे से हाइड कर लेंगे। और ये था हमारा बन का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आपको? आई होप कि अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो। तो आप भी जल्दी जल्दी में, अगर आपके पास बहुत सारा हेयर पिन वगैरह नहीं है तो बस दो चार यूपिन्स होना चाहिए और दो चार पतली वाली क्लिप होनी चाहिए, और इस तरीके का बन बना के आप रेडी कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग इस तरीके से यहाँ पे पल्लू सेट करेंगे, जिससे आपके हेयर स्टाइल का लुक भी अच्छा से दिखेगा और आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा लगेगा और आपका लुक भी बहुत अच्छे से लग जाएगा। कैसे आपको पल्लू सेट करना है वो भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से ईयरिंग्स डाल ली थी कानों में। और चलिए पल्लू सेट करते हैं। तो पल्लू सेट करने के लिए चाहिए आपको एक यू पिन, तो यू पिन रख लीजिएगा, उसके बाद ही पल्लू सेट करेंगे। तो कैसा लग रहा है मेकअप एंड हेयर स्टाइल? तो लास्ट में मैंने शॉर्ट्स बनाया था, वही वीडियो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पल्लू सेट करने के लिए। तो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, ये मेरी सिस्टर इन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने सोचा यही डाल लेती हूँ आज। और पल्लू सेट करते टाइम कभी भी इस तरीके से टाइट नहीं रखना है आपको। इस साइड के पल्लू को जिधर हमने पिन लगाया उधर थोड़ा सा लूज करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस साइड, इस तरीके से थोड़ा सा पल्लू को छोड़ देंगे और फिर लूज करेंगे। बाय बाय नहीं, रुको यार, अभी मैं आपको बताती हूँ पल्लू कैसे सेट करना है। मेकअप देख लो, मैं बार बार बाय कर दे रही थी, फिर मुझे याद आया कि पल्लू सेट करना तो बताया ही नहीं मैंने। तो चलिए बताते हैं। तो इस तरीके से आपको हेयर को लेना है, कम से कम 10 इंच तक आपके साइड में पिन के साथ में हेयर को छोड़ देना है, सॉरी पल्लू को छोड़ देना है। और इस तरीके से जूड़े को कवर करते हुए एक यू पिन लेंगे और जूड़े के साथ इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से आप कितना भी डांस करो, कुछ भी करो, आपका पल्लू नहीं गिरेगा। मैंने एक वीडियो डाली थी डांस की, जिसमें मैंने इसी तरीके से पल्लू सेट किया है,
अपनी सिस्टर इन लोग की मेहंदी का है, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैम अपने पल्लू कैसे सेट किया था, तो मैंने इसी तरीके से सेट किया था डियर। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।